नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है कि आपको कपड़े कैसे पहनना चाहिए, सोमवार से लेके रविवार तक किस दिन किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि उससे क्या लाभ होता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले सोमवार की बात करते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है और ये चंद्र का दिन भी है। तो इस दिन हमें सफ़ेद रंग के कपड़े, पिंक कलर के कपड़े और क्रीम कलर के कपड़े पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ेगी। और ऐसा माना जाता है अगर आप इस तरह से कपड़े पहनेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी और ये एक पवित्रता का प्रतीक है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सप्ताह के दूसरे दिन के बारे में, मंगलवार। दोस्तों, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमें इस दिन लाल रंग पहनना चाहिए, मतलब रेड, ऑरेंज आप पहन सकते हैं और सेफ्रॉन मतलब केसरी रंग भी पहन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रहेगी, आपका काम करने में उत्साह बढ़ेगा और आपके अंदर वीरता महसूस होगी, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन के लिए। दोस्तों, यह दिन श्री गणेश भगवान का दिन होता है और इस दिन अगर आप हरे कलर के रंग पहनते हैं, ग्रीन कलर का कपड़ा पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर, तो ये आपके दिन को बहुत अच्छा रखेगा और आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे मतलब गुरुवार के दिन के लिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और इस दिन अगर आप पीला कपड़ा पहनते हैं, मतलब येलो या पिंक, गोल्डन या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और यह माना जाता है कि बृहस्पति सभी ग्रहों में उसे गुरु का दर्जा मिला है और बृहस्पति धन का, संपन्नता का प्रतीक होता है, इसलिए आपको ये सारे कलर के कपड़े पहनने से फायदेमंद साबित होंगे और आपका दिन हमेशा अच्छा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं शुक्रवार मतलब फ्राइडे के दिन के लिए। दोस्तों, फ्राइडे का दिन देवियों का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन रेड कलर के कपड़े पहनना चाहिए और साथ ही इसमें शुक्र की प्रधानता होती है, इसलिए आपको सफ़ेद कपड़े भी पहनना चाहिए। तो आप फ्राइडे के दिन आपको वाइट, रेड, पिंक, क्रीम कलर के कपड़े पहनना चाहिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटरडे मतलब शनिवार के दिन के लिए। दोस्तों, यह दिन भगवान शनि का दिन होता है, इस दिन आपको ब्लैक, ब्लू या वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। इस दिन आप अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं संडे जो कि सप्ताह का आखिरी दिन है। संडे मतलब रविवार और यह दिन भगवान सूर्य का दिन होता है, इसलिए इस दिन आपको रेड, पिंक, गोल्डन या सेफ्रॉन मतलब केसरिया रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा और सूर्य के समान आपके अंदर तेज महसूस होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डे के अनुसार कपड़े कैसे पहनते हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो कपड़े पहनने का एक दूसरा नियम भी है, आप जो कि नॉर्मल डेज के लिए या आप ऑफिस जाते हैं उस दिन पहन सकते हैं। तो जनरली जो रूल होता है, आप लाइट कलर की शर्ट पहने और डार्क कलर का पैंट पहन सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।